नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इतिहास जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आसान सा जो है वो टॉपिक है, छोटा सा ही है, बस कुछ चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, कब और कब कहाँ पर। या तो आप रट्टा मार सकते हो जैसे भी आपको, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स हैं, इसमें कोई लॉजिकल नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको टेबल है। ठीक है, इस टेबल में खासकर जो मैं चीज़ें बताऊंगा, जो स्टार लगाऊंगा वो आपको याद रखनी है। अगर आप पूरे याद ना कर पाओ तो जो मैं स्टार लगा रहा हूँ वो तो आपको याद रखना ही है कम से कम। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये आपको याद रखनी है, एबेकस। एबेकस जो है ये 1602 में जो है वो इन्वेंट किया गया था, इन्वेंटर था, चाइना के द्वारा किया गया था। और ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसमें क्या होता था, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था ये ऑपरेशन किए जाते थे इसमें। ओके, तो किस में किए जाते थे, एबेकस में किए जाते थे, चाइना के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1602 में। और ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इसमें एक हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंटेटिव होती थी, 1, 10 और 100 इस तरीके से, और एक्स्ट्रा जो है वो इसमें हुआ करती थी हॉरिजेंटल रॉड। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे ऐसे हुआ करती थी कुछ, तो यहाँ पर जो है वो गोला गोला से लगे रहते थे, आपने देखा होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एबेकस जो है ये चाइना के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसमें जो है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो है ऑपरेशन किया जाता था, और कभी कभी जो है वो स्क्वायर रूट के इसमें भी परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, तो दो चीज़ें तो आपको याद रखना है एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, यही दो से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट किया गया था इसमें देखा जाए तो नेपियर बोन्स इन्वेंशन किया गया था, जो कि किसके द्वारा किया गया था, जॉन नेपियर के द्वारा, ये स्कॉटलैंड के थे 1617 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन जो नंबर हुआ करते थे वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया करता था। पहला वाला आपने देखा जो एडिशन सब्सट्रैक्शन किया करता था, ये वाला जो देखा आपने वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करते थे, इसमें जो है वो परफॉर्म किया जाता था। तो यहाँ से ये जिसमें जो है वो 0 से 9 तक नंबर रहते थे और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर पास्कलाइन। पास्कलाइन जो है वो ब्लाइसी पास्कलाइन के द्वारा, ये फ्रांस के थे, और 1642 में जो है इन्वेंट किया गया था। और याद रखना है ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। देखिए, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अलग होता है और ये मशीन अलग होता है। ठीक है, तो एडिंग मशीन आपसे पूछ ली जाए तो ये पास्कलाइन थी, 1642 में की गई थी फ्रांस के द्वारा। और बात की जाए ये फ्रांस के जो इन्वेंटर थे ब्लासी पास्कल थे, इनके द्वारा। तो इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गए तो ये किया जाता था। ओके, और बात की जाए तो इट वॉज स्ट्रक्चर्ड लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो एक बॉक्स हुआ करता था, इलेक्ट्रॉन की तरह बॉक्स हुआ करता था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है कि एडिशिंग मशीन थी ये पहली मैकेनिकल। नेक्स्ट है यहाँ पर जेक्वाड ब्लूम। 1801 में जो है वो जोसेफ मैरी रेक्वाड के द्वारा जो है ये इन्वेंट किया गया था। और यह है बात की जाए तो इसमें जो है वो पंच कार्ट जो है वो यूज किया जाता था। तो इतना याद रखना है पंच कार्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता, जेक्वाड ब्लूम किया जाता था। ठीक है, इसमें पहली बार पंच कार्ट का यूज किया गया था, और यह जो है वो सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एनालिटिकल इंजन जो है ये किया गया था 1837 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और चार्ल्स बेबेज को जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और ये कहाँ के थे, लंदन के थे। तो सीधा एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और ये लंदन के थे। तो इनके द्वारा जो है वो एनालिटिकल इंजन जो है वो 1837 में इन्वेंट किया गया था, और ये फर्स्ट जनरेशन पर्पज कंप्यूटर था। ओके, बाकी सब आपने देखा, एडिंग मशीन थी, ठीक है, एडिंग डिवाइस थे, तो ये सब। और ये पहला जो है वो फर्स्ट जनरेशन का जो है वो कंप्यूटर था ये। इसमें जो है वो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए पैक्स और साथ में वेरल्स, जिसे हम वेरल्स भी कहते हैं, तो ये जो है वो इसमें यूज किया जाता था, होम किया जाता। ये इट वॉज ए डेसिमल मशीन यूज साइन और मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए नंबर। तो ये मशीन जो हमारी डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, इसका यूज किया गया था। तो बेसिकली आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि जो एनालिटिकल इंजन जो है ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, 1837 में किया गया था, और फर्स्ट जो है वो ये कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था।
नेक्स्ट है यहाँ पर टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन ये भी कई बार पूछ ली जाती है। टेबुलेटिंग मशीन जो है वो 1890 में जो है इसको इन्वेंट किया गया था हारमेन हॉर्लिच के द्वारा। ये अमेरिका के थे और ये इसमें जो है वो पंच गार्ड इसमें यूज किया जाता था विथ राउंड होल्स के लिए। तो ये पहला जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स थी। तो इट वॉज ए पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स थी। और इसमें जो है वो आप देखोगे जो जो ये रीड कार्ड एक कार्ड जो हुआ करता था वो वन एट ए टाइम ही करता था। कोई भी कार्ड है तो उसे रीड करने के लिए इसमें एक ही टाइम में एक कार्ड रीड करता था और ये टेबलेटिंग मशीन थी। आगे बात की जाए तो मार्क वन हॉकवर्ड एक्विन के द्वारा किया गया था। और इसमें बात की जाए तो इसमें काउंटर हो गया, स्विचेस हो गया, कंट्रोल सर्किट हो गया, ग्लास स्मॉल ग्लासेस हो गया, तो ये सभी जो है वो इसमें कंसिस्ट थे। और बात की जाए तो ये आप देखोगे यहाँ पर मेनली यूज इन द वॉर ऑफ एफर्टिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे जो है ये यूज किया गया था। आपको पता हो तो वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला था। और इसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। तो पहला एक आप देखोगे कि मैग्नेटिक ड्रम किस में यूज किया जाता था, मार्क वन में किया गया था। तो मार से मार्क याद रखना और मैग्नेटिक से मैग्नेटिक याद रखना, तो MM है दोनों में तो आसानी होगी आपको याद रखने में। अगला बात की जाए तो ENIAC, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है इनसे और इनमें काफ़ी कंफ्यूजन भी होती है। तो ENIAC इन 1946 में इन्वेंट किया गया था JP एकर्ट और JW मॉल्चे के द्वारा। ठीक है, मॉल्चे ये अमेरिका के थे। और यह पहला जो है वो बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। ये आपको नाम दे दिए जाएंगे बहुत सारे, एनालिटिक इंजन हो गया, ENIAC हो गया। तो आपको याद रखना है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो ENIAC था। तो सीधा सीधा आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। आगे बात की जाए तो जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा जो है वो ED SAC 1949 में किया गया था। और यह है इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। तो पहला स्टोरेज कैपेसिटी जो कंप्यूटर बना था वो बना था EDSAG। देखिए स्टोरेज आप याद रखना है इस, देखिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो ये हो गया हमारा ENIAC, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखना। स्टोरेज की बात की जाए तो एस, इसमें देखिए इसमें एस आ रहा है तो एस याद रख सकते हो। कुछ थोड़ी कॉम्बिनेशन आप बना के रखना कि पहला स्टोरेज कैपेसिटी वाला कौन सा कंप्यूटर था, तो सीधे सीधे डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो ये था ED SAC। तो नाम तो वैसे नहीं पूछा जाता है, बस जो खासकर ये वाला नाम याद रखना और एक आप चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखना और एक पहले वाला याद रखना। तो उसमें नाम नहीं था, एबेकस था, तो वो चाइना के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो वो आपको याद रखना। इसमें जो है आप देख सकते हो यूज मर्करी लेइंग लाइन वैक्यूम ट्यूब। तो ये सब जो है इसमें हुआ करता था, मेमोरी हुई करती थी क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी हुआ करती थी इसमें। आगे बात की जाए तो UNIAC ये किया गया था, अमेरिका के द्वारा ही किया गया था। और ये फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलते थे बहुत सारे पर्पज के लिए। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक टैप को हम जो है यूज करते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। देखो तो मैग्नेटिक टैप एच इनपुट और आउटपुट के लिए हम यूज किया करते थे। किसमें? UNIBAC 1951 में इन्वेंट किया गया था। फिर उसके बाद जो है IBM आया, कंप्यूटर आया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बेसिकली इतना याद रखना है, यहाँ तक आपको IBM 650 कंप्यूटर 1953 तक IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। इसमें अल्फाबेटिक हो गए, स्पेलिंग जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, 2 डिजिट डेसिमल कोड हो गए, तो ये सब जो है इसमें देखने को मिलता था IBM 650 कंप्यूटर में। तो अब देखिए आप इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमारा ये हो गया, मैं यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो आपको बता ही देता हूँ, जैसे कि एबेकस हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, इसमें एडिशन सबट्रैक्शन हुआ करता था। ठीक है, चाइना के द्वारा और फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। उसके बाद आपको याद रखना है ये वाला पास्कलाइन। ठीक है, पास्कलाइन ये एडिंग मशीन थी पहली। ठीक
ठीक है, फ्रांस के द्वारा जो है ये इन्वेंट की गई थी, और इसमें जो है वो एडिशन सबसेक्शन, इसमें भी जो है वो सेम ही एबेकस के द्वारा जो है वो ऑपरेशन किए जाते थे। ठीक है, आगे हम देखा जाए तो पंच कार्ड वाला, ये पंच कार्ड वाला काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है जक्वाड लूम। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है आपको। आगे ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स फेविज के द्वारा, और कहाँ के थे ये, लंदन के थे। ठीक है, और इसमें जो स्टोर प्रोग्राम हुआ करते थे वो पेगस और इसे बैरल कहा जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। और डेसिमल मशीन में ये हम यूज करते थे साइन के रूप में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। आगे बात की जाए तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मशीन, ठीक है, तो ये तो वैसे ज़्यादा नहीं पूछी जाती, आपको ये वाला याद रखना है, मार्क वन। मार्क वन क्या था, मार्क वन एक मैग्नेटिक टैप, इसमें ड्रम यूज करते थे स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, हॉकवर्ड हैकल के द्वारा किया गया था, अमेरिका के थे, और ये ENIAC इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हुआ करता था, 1946 में इन्वेंट किया गया। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। और हमारा जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो वैक्यूम वगैरह टू स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की गई थी, तो ये EDSAC। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो थी प्रोवाइड की गई थी, तो 1949 में इसको। आगे बात की जाए तो इन दोनों को तो आपको याद रखना है, इसको देखिए इसमें और लोगों को इसमें, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो सबसे पहले जो है इसमें दोनों में आपको याद रखना है ENBC, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, यू और UNAVAC। ठीक है, ये मैग्नेटिक टैप इसमें यूज करते थे इनपुट आउटपुट के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, मार्क वन आपसे पूछ लिया जाए तो मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे स्टोरेज के लिए, और ENIAC इसमें जो है वो मैग्नेटिक टैप यूज करते थे इनपुट आउटपुट के लिए, तो ये दोनों ही याद रखना है। ओके, तो बस इतना आपको हिस्ट्री के बारे में याद रखना है कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन की बात करें तो जनरेशन पे हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हिस्ट्री और जनरेशन अलग अलग चीज़ें हैं, हिस्ट्री में आप देखोगे कौन कौन सी चीज़ें कब कब आई हैं, और जनरेशन में चीज़ें बदल गई हैं कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, जैसे कि पहले जो है वो वैक्यूम ट्यूब का आए गए थे, ट्रांजेक्शन हो गए, आईसी चिप हो गए, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हो गए, तो ये कब कब आए हैं और कौन कौन के द्वारा बनाए गए थे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।